हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का आई सी डी टेन क्लासीफिकेशन इन टूडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डीएसएम फोर क्लासिफिकेशन इट्स कॉम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर तो ये जो डी एस एम फोर क्लासिफिकेशन है ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर का इसमें हम देखेंगे कि DSM क्लासिफिकेशन क्या है और इसमें जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। DSM हैज ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिकल एसेसमेंट इनटू फाइव एक्सेस। तो जो DSM क्लासिफिकेशन है ये क्लिनिकल एसेसमेंट इनटू फाइव एक्सेस जो भी मेंटल डिस्ऑर्डर्स है उनको क्लिनिकली असिस्ट किया गया है फाइव एरियाज में एड्रेसिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ एनी डिसऑर्डर कोई भी डिसऑर्डर को एड्रेस करने के लिए और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक्सेस को बनाया गया है द फाइव एक्सेस ऑफ डीएसएम 4 क्लासिफिकेशन तो जो डीएसएम 4 क्लासिफिकेशन के फाइव एक्सिस है दे आर

एक्सिस वन में एक्सिस होते हैं वो सारे disorders और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये सारे आपके एक्सेस टू में आ जाएंगे देन नेक्स्ट है हमारा एक्सेस थर्ड जनरल मेडिकल कंडीशन एक्सेस थर्ड में आपके जितने जनरल मेडिकल कंडीशंस हैं वो सारे आएंगे इसमें इंक्लूड नहीं होगा इसमें सिर्फ मेडिकल कंडीशन आएंगे देन एक्सेस फोर्थ है आपका साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जो साइको सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रॉस कर रहा है ये सारे आपके एक्सेस फोर में आ जाएंगे एक्सेस फाइव में आपका आएगा ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग इन अ करंट एंड पास्ट वन ईयर इसमें आपका जो भी पेशेंट है उनका ग्लोबल ओवरऑल असेसमेंट ऑफ फंक्शन उनका फंक्शन करंटली कैसा है पास्ट वन ईयर में कैसा था ये सारा असेसमेंट आपका आ जाएगा एक्सेस फाइव में तो ये था हमारा डी एस एम फोर क्लासिफिकेशन आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ये जो भी क्लासेस जो भी आपके स्टडी मटेरियल में हेल्पफुल रहेगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहे